सो गाइस एंथोनियो कैरेक्टर का बेसिकली आप लोगों को पता है जो कि एबिलिटी चेंज किया गया है गैरिना वालों की तरफ से। जब से OP 35 का अपडेट आया है तब से ये एंथोनियो कैरेक्टर का एबिलिटी बेस्ट हो चुका है। एंड गाइस इस कैरेक्टर का एबिलिटी क्या कुछ चेंजेस आया है, गैरिना वालों ने क्या कुछ चेंजेस किया है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि इस कैरेक्टर का बेसिकली एबिलिटी जो चेंज हुआ है किस तरीके से हुआ है। एंड और एक बात गाइस काफी लोगों को पता नहीं होता है जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। अगर गाइस आप लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस पहले बार आ रहे हो तो चैनल पे सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। सो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रदर। व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो बेसिकली गाइस एंथोनियो कैरेक्टर का बेसिकली एबिलिटी चेंज किसके बारे में हुआ है, मतलब गाइस आप लोगों को बेसिकली एबिलिटी जो देखने को मिल रहा है ये वाला कैरेक्टर का, मतलब एंथोनियो जो कैरेक्टर का एचपी के ऊपर डिपेंड करके जो कि इसका एबिलिटी देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस पहले एबिलिटी क्या था एंड अभी के टाइम में चेंजेस क्या हुआ है तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानना है। तो गाइस वीडियो का आखिर से लेकर आप लोगों को इन तक वॉच करना होगा। सबसे पहले बेसिकली बात किया जाए जो कि एंथोनियो कैरेक्टर का एबिलिटी की, तो एंथोनियो जो कैरेक्टर एबिलिटी काम करता है एचपी के बेसिस पे। मतलब गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं एंथोनियो कैरेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा कुछ एचपी देता है, मतलब गाइस आप लोग जब भी गेम प्ले करते हो एंड किस तरीके से देता है इसको भी आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ओपी तरीके से बता दूंगा। एंड सबसे पहले गाइस आप लोगों को यह जानना चाहिए एंथोनियो कैरेक्टर पैसिव कैरेक्टर या एक्टिव कैरेक्टर है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं अगर जो कि पैसिव कैरेक्टर कौन सा है, एक्टिव कैरेक्टर कौन सा होता है, तो गाइस काफी लोगों को पता नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो कि एक्टिव कैरेक्टर होता है जैसे कि स्काइलर एक्टिव कैरेक्टर है, एंड मोको कैरेक्टर है जो कि पैसिव कैरेक्टर है, एंड जो कि हायतो कैरेक्टर पैसिव कैरेक्टर है, एंड जो कि डीजालो का कैरेक्टर एक्टिव कैरेक्टर है। तो मतलब गाइस जिसका एक्टिव स्किल होता है उसको यूज करना पड़ता है उसको बोला जाता है एक्टिव कैरेक्टर। एंड एक एक्टिव कैरेक्टर की स्किल और एक्टिव कैरेक्टर के एक स्किल के साथ ऐड करके नहीं खेल सकते हो। एंड पैसिव कैरेक्टर ऐसा होता है, पैसिव कैरेक्टर का स्किल कोई भी एक्टिव कैरेक्टर के साथ, कोई भी पैसिव कैरेक्टर के साथ ऐड करके खेल सकते हो, इस तरीके से जो कि पैसिव कैरेक्टर होता है। एंड पैसिव कैरेक्टर का स्किल ऐसा होता है, पैसिव स्किल होता है मतलब उसका स्किल ऑटोमेटिकली काम कर जाता है, कोई भी एबिलिटी को यूज करना नहीं पड़ता है। एंड गाइस अभी बात कर जो कि हम लोग को जो एंथोनियो कैरेक्टर मिल रहा है तो ये पैसिव कैरेक्टर है या एक्टिव कैरेक्टर है, तो एंथोनियो कैरेक्टर एक पैसिव कैरेक्टर है जो कि इसका स्किल आप लोग कोई से भी कैरेक्टर स्किल के साथ ऐड करके खेल सकते हो। सो एंड अभी हम लोग जानेंगे जो कि एंथोनियो कैरेक्टर के अंदर कितना लेवल पे कितना कुछ बेनिफिट अभी के टाइम में मिल रहा है। सो जब भी गाइस आप लोग को एंथोनियो कैरेक्टर लेवल 1 का हो जाएगा तो 15% जो कि हम लोग को एचपी देगा, एंड जब भी लेवल 2 का हो जाएगा 20% जो कि एचपी देगा, लेवल 3 पे जब भी कैरेक्टर हो जाएगा 25% एचपी देगा हर एक राउंड में, एंड उसके बाद लेवल 4 का जब भी कैरेक्टर हो जाएगा 30% एचपी देगा एक्स्ट्रा, एंड उसके बाद जब भी लेवल 5 का कैरेक्टर हो जाएगा 35% एक्स्ट्रा एचपी देगा। देन गाइस जब भी 6 लेवल का कैरेक्टर हो जाएगा मतलब मैक्स लेवल का कैरेक्टर हो जाएगा तो 40% एक्स्ट्रा एचपी देगा। मतलब गाइस सोच सकते हो कितना ज्यादा एचपी दे रहा है हम लोग का एंथोनियो कैरेक्टर। एंड अभी के टाइम में जो एबिलिटी चेंजेस आया जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, एंड गाइस आप लोग देखना, मैं आप लोगों को गेम प्ले के सेक्शन में आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि गाइस इधर से प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को मैं गेम प्ले के सेक्शन में आके समझा देता हूं। सो फाइनल गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं गेम प्ले के सेक्शन में, एंड अभी देखो मेरे पास अभी ये जो एंथोनियो कैरेक्टर है जो कि कितना एचपी दिखा रहा है। तो देखो पहला जो राउंड है इसमें जो मुझे अभी एचपी दिखा रहा है जो कि 240 एचपी, एंड गाइस 240 एचपी दिखा रहा है जो कि पहला राउंड पे। तो अभी गाइस हम लोग इसको एचपी को डिक्रीज करते हैं, मतलब जोन में थोड़ा सा डैमेज ले लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं मेडिकेट करके देन क्या 240 एचपी फिर से हो जाएगा, तो देखते हैं गाइस ठीक है। एंड देख सकते हो जो कि मेरे पास अभी एचपी बहुत कम है, मतलब जो कि 190 एचपी है। तो अभी देख सकते हो मैं मेडिकेट को किया देन देखता हूं कितना एचपी बढ़ता है, तो देख सकते हो 200 ही मतलब एचपी बढ़ा। तो बेसिकली गाइस आप लोगों को पता ही है जो कि नॉर्मली जब भी आप लोग कैरेक्टर को यूज करते हो तो 200 सिर्फ एचपी मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। जब भी एंथोनियो कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करते थे पहले के टाइम में तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एचपी मिलता था जो कि 235 एचपी मिलता था। देन अभी के टाइम में अगर गाइस आप लोग एंथोनियो कैरेक्टर को यूज करोगे तो आप लोग को 240 एचपी देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब गाइस 5 एक्स्ट्रा एचपी आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड गाइस ये जो देखने को मिलेगा हर राउंड में देखने को मिलेगा, मान लो गाइस आप लोग क्लास कोड खेल ले हो तो देख सकते हो मेरा और एक राउंड खत्म हो चुका है, देन देख सकते हो 240 एचपी फिर से हो चुका है। मतलब गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग को पहला राउंड में 240 एचपी मिलेगा, कोई बंदा थोड़ा सा डैमेज भी दे देगा तो एचपी आप लोग को डिक्रीज होने के बाद जो कि आप लोग दोबारा मेडिकेट करोगे तो 200 ही एचपी के जाके अटक जाएगा। मतलब पहला राउंड पे आप लोग को, पहला राउंड पे जब भी आप लोग को जो कि 240 एचपी मिल जाएगा, मतलब गाइस कोई बंदे के साथ मान लो गाइस आप लोग फाइट कर रहे हो तो वो बंदा थोड़ा सा आप लोग को डैमेज दे दिया देन थोड़ा सा एचपी आप लोग को डिक्रीज हो गया, देन गाइस आप लोग दोबारा अगर आप लोग मेडिकेट करोगे तो आप लोग को 200 एचपी के जाके ही अटक जाएगा।
रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंड पहले ही राउंड स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को जो कि एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा जो कि 240 HP, देन थोड़ा सा डैमेज करने के बाद वो एचपी खत्म हो जाएगा, दोबारा आप लोग मेडिकेट को यूज करोगे जो 200 HP जाके ही अटक जाएगा। मतलब गाइस आप लोग को अभी मन में डाउट आ रहा है पीछे भाई क्या बी आर मैप, मतलब बड़ा रंग हम लोग कुछ भाई खेलते हैं तो बड़ा मैप खेलते हैं तो ऐसे ही होगा। हाँ गाइस इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले आप लोग को जब भी गेम स्टार्ट करोगे देन एक गेम में आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा, पहली बार जब भी आप लोग कोई बंदे के साथ फाइट करोगे, ठीक है, थोड़ा सा वो डैमेज दे देगा तो दोबारा आप लोग मेडिकेट करने के बाद वो इस सेम दो मतलब 200 HP को लेके ही आप लोग को घूमना पड़ेगा पूरा गेम, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को जो कि एबिलिटी चेंज हुआ है जो कि एंथनो कैरेक्टर का, जो कि थोड़ा सा HP बढ़ा दिया गया है। तो पहले जैसे गाइस आप लोग को मिलता था जो कि मतलब 235 HP मिलता था, मतलब हर एक राउंड में जो कि एक्स्ट्रा 35 HP मिलता था। तो एंड गाइस अभी के टाइम में अगर गाइस आप लोग देखोगे तो एक्स्ट्रा गाइस आप लोग जो HP मिल रहा है जो कि गाइस 5 HP एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से जो कि एबिलिटी को चेंजेस आया, मतलब एक्स्ट्रा 5 HP दे रहा है एंड हर एक राउंड में। सो एंड गाइस आज का वीडियो गाइस आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना जो कि आप लोग को एंथनो कैरेक्टर का एबिलिटी अभी के टाइम में आप लोग को कैसा लगा। सो एंड गाइस आज का वीडियो इतना ही तक था। सो गाइस मिलते हैं कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।